भाजपा द्वारा संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण मंडल स्तर पर रखा गया है। आपको बता दें कि भाजपा की गंडई इकाई का प्रशिक्षण अग्रसेन भवन गंडई में आयोजित किया गया। भाजपा के प्रशिक्षण में गंडई इकाई के सभी बूथों से कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 152 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, जिनमें पंजीयन जानकारी के अनुसार 111 कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। भाजपा नेता व प्रशिक्षणकर्ता सचिन सिंह बघेल ने कहा कि आप सभी भाजपा कार्यकर्ता खुद में सक्षम हैं, लेकिन मुझे बोलने के लिए सुरक्षा सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का अर्थ है कि भाजपा का कार्यकर्ता बौद्धिक स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रशिक्षण में भरत वर्मा, संजय अग्रवाल, श्यामपाल ताम्रकार, भीखू हिरवानी, राकेश ताम्रकार, यतीश कुंजाम, अश्विनी ताम्रकार, राकेश ठाकुर व प्रियंका ताम्रकार शामिल रहे। सर बताइएगा, आज यहाँ पे एक भाजपा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जिसमें आप आए हैं, इसका क्या है उल्लेख थोड़ा सा करिएगा। राष्ट्रीय स्तर पे प्रशिक्षण अभियान पिछले 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और पहले क्रमवार जो प्रशिक्षक हम लोग आए हैं, हमारा प्रशिक्षण हुआ प्रदेश स्तर पे और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करके फिर मंडल स्तर तक ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। और इसमें हमने बूथ लेवल के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। 31 महीने में 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये पूरे हमारे 200 जिले में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न होगा। जी, और इसके साथ ही साथ ये आपको बताना चाहूँगा कि हमने करीब 10 विषय हमने चुने हैं। सर, हमारी पार्टी ने 10 विषय चुना है और उस 10 विषय में अलग अलग 2 दिनों में 5-5 विषय लेकर के 2 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। और चूंकि कोरोना का समय है इसलिए इसको आवासीय नहीं करके लंच के बाद और उसके बाद फिर दूसरे दिन के लिए प्रशिक्षण को बढ़ाया जाता है। 2 दिन में 5-5 विषय लेते हैं हम और हमारे जो प्रमुख नेता हैं जिले के वो अलग अलग सत्रों में अपने जा कर के जो उनके चुने हुए विषय दिए गए हैं, जो 10 विषय हैं अलग अलग, उसमें 3-3 हमारे प्रमुख नेता एक एक विषय में हमने निर्धारित किए हैं, वो जा कर के हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इसके आगे का कोई कार्यक्रम? इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारा ऐसा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक अलग पार्टी है और उसका कार्यकर्ता अलग दिखना चाहिए। जी, और दिखेगा कब? जब तक कि वो ऐसे रूप से प्रशिक्षित शिक्षित ना हो जाए, जब कोई भी विषय उसके सामने आए तो उसकी दमदारी के साथ उसका जवाब देने के लायक हमारा कार्यकर्ता सक्षम हो, ये उसका मूल विषय है। और उसकी अवधारणा को कि हमारे सिद्धांत क्या है, हमारी नीतियाँ क्या हैं, हमारी सोच क्या है, इसको नीचे लेवल तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का। एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में पूरे देश में किसान बिल लेके किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। तो सरकार चूंकि सेंट्रल में भाजपा की है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो किसान बहुत दिक्कत में है। तो इसका क्या बोलेंगे आप किसान बिल को लेके? भैया, 3 बिंदु पे तीन बिल्स आए, किसान के 3 रिफॉर्म्स आए। जी, पहला ये है कि आप अपनी उत्पादकता को कहीं भी बेच, मैंने बिल्कुल लेमैन स्टाइल में बता देता हूँ आपको। जी जी जी, कि अपनी उत्पादकता को आप कहीं भी बेच सकते हो, इसमें कहाँ तकलीफ है। जी, दूसरा ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो आप, उसमें मैंने आप समझिए अभी होशंगाबाद में कल का न्यूज़ है जी। पहली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ऑफिशियल SDM ने रजिस्टर्ड किया है और रजिस्टर्ड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हुई है। शुरुआत जी, ठीक है। तीसरा है आप अपने उत्पाद का भंडारण कर सकते हैं, उसमें कोई समय उसमें कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं दी। ओके सर, नाम और पूरा पद बताइएगा। मैं सचिन सिंह बघेल हूँ और अभी जो ये प्रशिक्षण चल रहा है उसका जिले का संयोजक हूँ
और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष हूँ राजनांदगांव। ओके सर, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।